हाय मेरा नाम ऋचा जैन है तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रिमेटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन थेरेपी के बारे में इसपे डिटेल्ड वीडियोस मैंने बनाई है हर रिफ्लेक्स की अलग वीडियो है जिसमें हमने जाना है कि क्या होता है रिफ्लेक्स कैसे काम करता है क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है कब तक वो इंटीग्रेट हो जाना चाहिए उसकी चेक कैसे करेंगे टेस्ट कैसे करेंगे कि बच्चे में वो रिटेन्ड है या नहीं है और कैसे उसकी एक्सरसाइजेस के थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं वो पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं बट दिस इज अ न्यू अन्सेप्टिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन जिसपे ज्यादा डिटेल में कहीं पर इतनी नॉलेज नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं माइंड में तो आज हम क्रक्स में मेन मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे कि कैसे हम प्रेटिव रिफ्लेक्स को और ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू आई एम अ मदर आई एम नॉट एनी ट्रेन प्रोफेशनल ये मेरी खुद की रिसर्च है जो मैंने अपने बच्चे की ऑटिज्म जर्नी में की है और जिससे मुझे बेनिफिट हुआ है वो नॉलेज और वो रिसर्च मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आई एम नॉट एनी ट्रेन प्रोफेशनल क्योंकि लोग कई बार कमेंट में डालते हैं कि प्लीज आप ये मैंशन कीजिए तो हेर इट इज सो सबसे पहली चीज कि क्वेश्चन रहता है कि कौन से इश्यूज से हम पता कर सकते हैं कि, uh, किस इशू से हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये रिफ्लेक्स मेरे बच्चे में रिटेन्ड है तो वेस्टिबुलर इशू है अगर बच्चे को वेस्टिबुलर इशू क्या होता है जब भी मूवमेंट हो रहा है बॉडी में तो क्या बच्चा अपना बॉडी एंड हेड पोस्टर स्ट्रेट कर पा रहा है दिस इज वेस्टिबुलर सेंस अगर बच्चे को वेस्टिबुलर इशू है कि उसने रोल किया स्लाइड रोल uh, किया तो वो गिर गया वो बैलेंस करके सही नहीं खड़ा हुआ स्लाइड पे गया स्लाइड से नीचे उतरा तो वो एकदम से अपनी बॉडी को मैनेज नहीं कर पाया और आगे लुढ़क गया तो दिस इज वेस्टिबुलर इश्यू। अगर वेस्टिबुलर इश्यू है तो मेन जो आपने फोकस करना है चेक करना है रिटेंशन के लिए कौन कौन से वो रिफ्लेक्सेस होंगे वन इज मोरो रिफ्लेक्स असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स ए टी एनआर सिस्टम सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स एस टी एन आर टीएलआर टोनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स तो ये चारों रिफ्लेक्स की रिटेंशन के लिए आपको चेक करना है क्योंकि सबसे ज्यादा वेस्टिबुलर इश्यूज इन चार रिफ्लेक्सेस की वजह से आते हैं द सेकेंड क्वेश्चन कि टेक्टाइल रिलेटेड बच्चे को बहुत ज्यादा इश्यूज हैं तो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस के लिए हम लोगों को चेक करना है uh, तो उसके लिए हमें चेक करना है मोरो एंड स्पाइनल गैलाट ठीक है तो दिस इज टेक्टाइल रिलेटेड रिलेटे रिफ्लेक्सेस द नेक्स्ट इज ऑडिटरी इशू बच्चों को ऑडिटरी इशू बहुत ज्यादा है वॉइस uh, सेंसिटिविटी uh, है या वो वॉइस सीकिंग है ऑडिटरी इशूज है अंडरस्टैंडिंग ऑडिटरी कम है तो उसमें कौन कौन से रिफ्लेक्सेस रहेंगे दैट इज मोरो ठीक है एंड स्पाइनल टी एंड एटीएनआर रिफ्लेक्स तो ये चार रिफ्लेक्स के लिए हमें चेक करना है नेक्स्ट इज विजुअल इश्यूज हैं बच्चे को विजुअल आइडेंटिफिकेशन पुअर है विजुअल इश्यूज है विजुअली वो चीजें नहीं देखता है नोटिस नहीं कर पा रहा है रीडिंग एंड राइटिंग में उसको बहुत ज्यादा इश्यूज हैं तो मेजर मेजर रिफ्लेक्सेस जो हमें रिटेंशन के लिए चेक करना है दैट इज मोरो टीएलआर ये चारों के लिए अब मेजर एक और क्वेश्चन रहता है स्पीच से रिलेटेड मैम स्पीच के लिए कौन से रिफ्लेक्सेस सबसे पहले हमें चेक करने हैं तो उसके लिए है पामर ग्रास रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स जो मेजर रोल प्ले करते हैं इन द स्पीच फॉर्मेशन लेकिन अगर मैं बात करूं आ, बच्चे के अगर कोई भी रिफ्लेक्सेस रिटेन है स्पीच में और कोऑर्डिनेशन में इश्यूज रहेंगे बट मेजर चीजें मेजर तीन Uh, जो रिफ्लेक्सेस uh, रहते हैं वो ये रहते हैं सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप आई आंसवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन इज कि मैम क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन इज व्हाट न्यूरोप्लास्टिसिटी कि पुराने पैटर्न्स हम ब्रेक कर रहे हैं नए पैटर्न्स को फॉर्म कर रहे हैं तो न्यू पैटर्न्स के लिए रेपिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट द मोर Is जितना ज्यादा उतना अच्छा बट मिनिमम की अगर हम बात करें आ, उसमें हम लोग जाएंगे ड्यूरेशन ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए कितने टाइम लगता है रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन में मंथस टू ईय डिपेंडिंग कितना रिटेंशन है और बच्चे के कितने इशूज है मिनिमम फोर मंथस हमें लेकर चलना है टू सी द रिजल्ट ठीक है हमें बेनिफिट मिल रहा है ये देखने के लिए हमें मिनिमम फोर मंथस रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन फॉलो करना है एंड इट कैन टेक अप टू इयर्स डिपेंडिंग बच्चे का कितना इश्यूज है ठीक है द सेकंड थिंग इज फ्रिक्वेंसी हमें मिनिमम फाइव टाइम्स अ वीक जो है रिफ्लेक्सेस को फॉलो करना है और uh, एक दिन में कम से कम एक बार तो करना है बट दो, दो या तीन टाइम करेंगे तो सबसे अच्छा मिनिमम वन टाइम इंटेंसिटी कितनी बार कराना है मिनिमम एक एक्सरसाइज के लिए टेन टाइम्स लीजिए और अगर जितना ज्यादा रिपिटेशन होगा उतना ही नए बॉन्ड्स न्यूरल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे न्यूरो प्लास्टिसिटी होगी पुराने पैटर्न ब्रेक होंगे और बच्चा ज्यादा रिकवर होगा ठीक है दिस इज द थिंग अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैंने बोल दिया कि हाद हाँ, जितना ज्यादा द मोर इज बेटर बट देर आर चांसेस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन से ओवर स्टिमुलेशन होती है मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था देखिए जब हम लोगों ने मैंने फियर पैरालिस रिफ्लेक्स में बात करी है सेकंड रिफ्लेक्स की जो वीडियो है उसमें मैंशन किया है कि ओवर स्टिमुलेशन हमें नहीं करना है जितने स्ट्रॉप मेंशन हैं कि आपको जितने स्ट्रॉक्स जहां पर देने हैं उतने ही देने हैं कई बार पेरेंट्स बड़े एंथू हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को इश्यूज है मुझे पता चल गया और मैं उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉकिंग दू जो नर्व स्टिमुलेशन है उनको एक कंट्रोल्ड फैशन में करना है ग्रोस मोटर एक्टिविटी एज पर माई व्यू आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट आई एम अगेन सेइंग दैट ग्रोस मोटर एक्टिविटी आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा न्यूरल कलेक्शन डेवलप होंगे ठीक है दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन अब एक मेजर क्वेश्चन ये आता है कि मैम जैसे जब हमने रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट किया तो बच्चे के बिहेवियर ज्यादा हो गए हैं एंड आई एम वेरी स्केयर देखिए जब हम लोग बात करें न्यूरोप्लास्टिसिटी की या फिर आ, कोई भी चीज है जो आपके ऑलरेडी फिक्स बॉन्ड्स हैं उससे हटके कुछ कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन वो एकदम से ज्यादा उछल के आती हैं चीजें ठीक है तो वट हैपन फॉर फिफ्टीन ट्वेंटी डेज वो बिहेवियर ज्यादा होंगे एंड जैसे जैसे आप उसका रेपिटिशन ज्यादा करेंगे और बच्चे को सपोर्ट करेंगे 15-20 डेज में जब वो चीजें चेंज होना स्टार्ट होगी तो बच्चा सेटल डाउन होगा बिहेवियर्स डाउन आएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है जब आप रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन करते हैं 20 डेज वेट कीजिए एंड रिलीजियसली उसको कीजिए और बिहेवियर्स डाउन आएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कितनी एज तक रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन इफेक्टिव होता है रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन आप किसी भी एज में कर सकते हैं एट एनी एज यू कैन डू इट बस ये होता है इनिशियल अगर आप अर्ली इंटरवेंशन है बिफोर फाइव इयर्स हैं तो जल्दी न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी नए फॉर्म नए बॉन्ड जल्दी फॉर्म होंगे कम रेपुटेशन में भी ज्यादा रिजल्ट मिलेगा बट अगर जैसे एज इज फिफ्टीन ईयर ट्वेंटी ईयर और आपको तब पता चला है कि हाँ रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन है तो आपको थोड़ा रेपिटेशन जितना एज बढ़ती चली जाएगी उतना रेपिटेशन ज्यादा लेना पड़ेगा और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी दैट्स इट एट एनी एज यू कैन डू रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन ठीक है अब नेक्स्ट uh, जो क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि uh, मैम अगर मैं रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन क्या एक ही रिफ्लेक्स पे हम लोग काम कर सकते हैं या सभी रिफ्लेक्सेस पे हमें एक साथ काम करना है देखिए मैं आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ जो रिफ्लेक्स बच्चे में रिटेन है उस पर काम करना इंपॉर्टेंट है और उन्हीं पे काम करेंगे तो हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हमें रिटेंशन के लिए चेक करना है आ, ये नहीं कि कोई भी रिफ्लेक्स उठाया और आपने काम करना शुरू कर दिया और आपको रिजल्ट्स नहीं मिले आप डिमोटिवेट हो गए तो चेक फॉर रिटेंशन फर्स्ट जो रिफ्लेक्स रिटेन है उनपे काम कीजिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज की अः मैंने रिटेंशन के लिए चेक किया बट मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या मैं सभी रिफ्लेक्सेस पे एक साथ काम कर लू क्या मैं कर सकती हूं देखिए अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड बिकॉज उसमें ग्रोस मोटर एक्टिविटीज हैं, मोस्टली योगा एंड सम मूवमेंट्स आर देयर हैंड मूवमेंट्स बॉडी मूवमेंट्स ग्रोस मोटर एक्टिविटी नो हार्म इन डूइंग दैट हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंसरी इंटीग्रेशन में भी वो एक्टिविटीज फॉलो करते हैं नो हार्म इन दैट ठीक है इवन आई फॉलो मेरे बच्चे को एस टी एन आर रिटेन नहीं था बट मैं उसको सिमेट्रिकल एस टी एनआर की एक्टिविटीज इसलिए कराती थी कि वो कर नहीं पा रहा था तो आई वॉज वेरी मतलब अमेज यार इससे हो नहीं रहा है यानी कि मतलब हो नहीं रहा है दैट मीन उसको इश्यू है ठीक है तो दैट मीन्स आई शुड डू इट ताकि उसका जो ग्रोस मोटर है वो इंप्रूव हो ब्रेन कोऑर्डिनेशन और इम्प्रूव हो तो नो हार्म इन डूइंग दैट लेकिन अगर मैं बात करूं ओवर स्टिमुलेशन देखिए जो नर्व्स रिलेटेड एक्सरसाइज है एफपीआर

मेन uh, क्वेश्चन ये रहता है कि मेरे बच्चे को क्या एक ही रिफ्लेक्स है मुझे नहीं समझ में आ रहा देखिए अगर सिर्फ एक रिफ्लेक्स रिटेन होगा तो उससे फंक्शनल इश्यूज नहीं आएंगे बच्चा इजिली उसको परफॉर्म कर, कर मतलब अपनी लाइफ में हम लोग इतना ज्यादा दिक्कतें नहीं दिखेंगी जब बच्चे की फंक्शनैलिटी में ज्यादा दिक्कतें दिखती हैं दैट मीन्स उसको दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्सेस रिटेन हो सकते हैं तो उसपे हमें चेक करना है सिर्फ एक रिफ्लेक्स नहीं होगा दो या दो से ज्यादा होंगे उसके लिए आपको चेक करना चाहिए ठीक है कैसे देखिए जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है वो रिफ्लेक्स आर्क पे वर्क करता है सेंसरी इनपुट ब्रेन को मिलता है ठीक है और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट की हमें मोटर आउटपुट मिलता है अब क्या होगा जब सेंसरी इनपुट प्रॉपर नहीं होगा तो अः जो है उसकी वजह से क्या होगा रिफ्लेक्सेस में इश्यूज आएगा क्योंकि उनको सेंसरी इनपुट नहीं मिल रहा है, reflexes, जो reflexes है वो आउटपुट जनरेट अच्छे से नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से फंक्शनैलिटी में दिक्कत आएगी तो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हैंड इन हैंड चलते हैं जब हम रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करेंगे तो सेंसरी इंटीग्रेशन पे हैंड इन हैंड काम करना है तभी रिजल्ट मिलेंगे अदरवाइज़ क्या होगा टेंपरेटरी रिजल्ट्स मिलेंगे ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बीन आई हैव बीन वर्किंग ऑन द रिफ्लेक्स एक्सर्साइज़ लेकिन उसके लिए मुझे सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा ठीक है तो इसका रीज़न क्या रहेगा कि हो सकता है आपने uh, आपको चेक करना है क्या फ्रिक्वेंसी क्या मैं उसको फाइव टाइम्स अ वीक करा रही हूँ दिन में कितनी रेपिटेशन करा रही हूँ क्या मैं उसके साथ सेंसरी इंटीग्रेशन पे साइड बाय साइड काम कर रही हूं या नहीं कर रही हूँ तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं कौन से रिफ्लेक्स की वजह से बच्चे को इमोशनल एंड बिहेवियरल चैलेंजेस आते हैं कौन सा रिफ्लेक्स रहेगा तो इसके लिए देखिए कोई पर्टिकुलर रिफ्लेक्स नहीं रहेगा आप इस प्रोसेस को समझिए कि सबसे पहले जो सेंसरी सिस्टम है जो सेंसरी प्रोसेसिंग सिस्टम है हमारा वो डाटा को ब्रेन में सेंड करता है ठीक है ब्रेन जो है वो उसको प्रोसेस करता है और डिसाइड करता है और मोटर आउटपुट जनरेट करता है कि क्या एक्शन होना चाहिए ठीक है अब वो ब्रेन ने इंफॉर्मेशन सेंड की लिम्स को अब लिम्स ने वो टास्क परफॉर्म करना है अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगी जहां पर सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज हैं कि डाटा इनपुट ही अच्छा नहीं गया ठीक है ब्रेन इज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग लेफ्ट एंड ब्रेन राइट ब्रेन डेवलप्ड नहीं है प्रॉपरली दोनों का ब्रेन का सिंक नहीं है तो डाटा प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होगी अब ब्रेन ने लिम्स को वो डाटा सेंड किया और लिम्स ने परफॉर्म किया अब जहां पर भी इश्यूज आएगा तो क्या होगा वहां पर जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं आउटपुट है वो नहीं बन पाएगा वो क्यों होता है जब भी डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं होता है रिटेन रह जाते हैं सेंसरी इश्यूज होते हैं तो उस केस में आ, ये सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट होती है और ब्रेन इज गेटिंग कन्फ्यूज अब हमारे ब्रेन में इतनी सारी चीजें हैं हम नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं जिसकी वजह से इमोशनल एंड बिहेवियरल इश्यूज आते हैं बिकॉज दे आर फाइटिंग इन देयर बॉडी वो खुद की ही बॉडी में इतनी फाइट चल रही है कि ये चीज आई अभी इसका समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है और फिर मैं इसको क्या करूं और वो खुद से ही इतना फाइट, आ, फाइटिंग हो रहा है ब्रेन इज सो कंफ्यूज और जिसकी वजह से वो स्ट्रेस वो ट्रोमा उनको आ जाता है और इमोशनल एंड बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं तो कोई एक रिफ्लेक्स इसके लिए नहीं है अगर वहां पर सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज हैं अगर आ, र, रिफ्लेक्स कोई भी रिफ्लेक्स रिटेन्ड है ठीक है अगर दोनों ब्रेन का आपस में सिंक और कॉर्डिनेशन नहीं है ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं है तो इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज आएंगे ही आएंगे बच्चे को स्ट्रेस एंड एंजाइटी आएगी ठीक है तो सो नो वन रिफ्लेक्स इज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग ये हर केस में पॉसिबल है अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हर केस में अगर मैं बात करूं एडीएचडी डी ए एस डी डिस्प्रेक्सिया लर्निंग डिसबिलिटी क्या हर केस में रिटेन uh, रिफ्लेक्सेस रहेंगे नहीं ऐसा नहीं है बट यस मोस्ट ऑफ द केसेस अगर मैं 90% परसेंट में बात करूं रिफ्लेक्सेस रिटेन होते हैं बट हर केस में ऐसा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है कई कई बार क्या होता है सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज तो है बच्चे को बट रिफ्लेक्स रिटेन नहीं होते हैं दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी ऑल्सो तो ये सारा था अबाउट फैक्ट्स एंड सम फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन अबाउट रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन तो आई होप दिस विल क्लियर यूर मोस्ट ऑफ द डाउट्स और नेक्स्ट अब जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन आएंगे आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन थ्रू वीडियो थैंक यू सो मच